गुड इवनिंग बेटा, बच्चों। इस समय हम लोग सेकंड चैप्टर की बात कर रहे हैं बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके दो वीडियो मैं रिलीज कर चुका हूँ। पहले वीडियो में मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ लगभग मेल ऑर्गन्स के बारे में बताया, इट मीन्स एंड्रोशियम के बारे में डिस्कशन किया। सेकेंड वीडियो में हम सब ने मेल गैमेटोफाइट का डिस्कशन किया, एंड द नाउ थर्ड वीडियो आपके सामने जो रिप्रेजेंट है उसमें हम सब गाइनोशियम्स के बारे में, कार्पेल ओवरी ओव्यूल के बारे में डिस्कशन करने चल रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, पीछे लगातार वीडियो आप देख रहे हैं, अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं, अच्छे लाइक्स मिल रहे हैं। जब हम अपनी बातों को बहुत आसान तरीके से रख देते हैं, जब हम अपनी बातों के बहुत आसान तरीके से रख सकते हैं, रख देते हैं, तो क्या पड़ी है चिल्लाने की। जब हम अपनी बातों को आसान तरीके से रख देते हैं तो क्या पड़ी है चिल्लाने की। पढ़ाई करते समय बहुत सेंसिटिव होना चाहिए, बहुत सेंसिटिव होना चाहिए, बहुत संवेदनशील होना चाहिए। बहुत नाजुक चीज़ होती है, बहुत सरलता से आपके पास पहुंचनी चाहिए, ठीक है। तो आज हम आपको शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन आता है बेटा कि बोर्ड में कितने प्रकार के क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन एक नंबर का, व्हाट इज गाइनोशियम, दैट्स ऑल, तीन पॉइंट हैं केवल। दूसरा क्वेश्चन है कार्पेल क्या है, कार्पेल पर क्वेश्चन बढ़ेंगे, उनकी संख्या ज़्यादा होगी। फिर ओवरी ऑलमोस्ट एक या दो क्वेश्चन फ्रेम करेंगे हम सब, और ओव्यूल्स थोड़ा सा ब्रॉड सेक्शन में आ जाता है। तो नाउ बेटा, हमारे पास पहला आंसर मैं बोलने चल रहा हूँ अबाउट द गाइनोइसियम, ठीक। मैं तीन पॉइंट्स, दो पॉइंट, एक पॉइंट कैसे बोलूँगा। फर्स्ट पॉइंट है तो कहेंगे ये क्या चीज़ है, तो मैं बोलूँगा इट इज़ फीमेल ऑर्गन ऑफ फ्लावर, ओके बेटा। और दूसरा पॉइंट बोलेंगे इट इज़ फोर्थ सेंट्रल वर्ल ऑफ फ्लावर। यानी कि सीधा मतलब हो गया, फ्लावर में चार पार्ट्स होते हैं। मैंने पहले आपको बताया हुआ है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। तो गाइनोशियम फोर्थ और सेंट्रल वर्ल है, उसका जिक्र आप कर रहे हो। और एक पॉइंट और मेंशन करेंगे, इट्स यूनिट क्या है बेटा, इट्स यूनिट है, जवाब आएगा बेटा कार्पेल। तो बेटा जब एक नंबर का क्वेश्चन आएगा गाइनोशियम को मेंशन करने के लिए, आपके लिए दीज थ्री पॉइंट्स आर सफिशियंट, एंड यू कैन से मोर देन सफिशियंट, नीट के पर्पज से भी एंड आल्सो बोर्ड के पर्पज से भी। तो बेटा गाइनोशियम की यूनिट आपने क्या बताया, कार्पेल। और सेकंड जो वन मार्क्स का क्वेश्चन आपके यहाँ आ सकता है, जिसको मैं बताऊंगा एज ए कार्पेल में डिस्कस करूंगा। तो कार्पेल का अगर क्वेश्चन लिखने को आया आपके यहाँ बोर्ड लेवल पर, तो कहेंगे इट इज यूनिट ऑफ, देखो वही उल्टा हो गया, इट इज यूनिट ऑफ गाइनोशियम, ठीक है ना। और कहेंगे इट हैज कितने पार्ट हैं, थ्री पार्ट्स। इसमें तो तीन पार्ट्स होते हैं, कौन से पार्ट्स होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इसको फ्लावर का पेडसिल कह रहा हूं, थैलमस कह रहा हूं, और ये नोड बता रहा हूं, इस नोड पर ये स्ट्रक्चर लगा हुआ है, इस पर ये स्ट्रक्चर लगा हुआ है, और फिर ये स्ट्रक्चर हो सकता है। इसका मतलब मैं बता रहा हूं, पहला पार्ट बेटा इसका स्टिग्मा है, दूसरा पार्ट बेटा स्टाइल है, एंड द थर्ड स्वेलन पोर्शन ऑफ द कार्पेल इज ओवरी। ओवरी ही थैलमस पर प्लेस्ड होती है। अब जरा सुनिए, स्टिग्मा को हम सब कहते हैं प्लेटफॉर्म है फॉर लैंडिंग द पोलन ग्रेन्स,
प्लेटफॉर्म है फॉर लैंडिंग द पोलन ग्रेन्स, प्लेटफॉर्म है फॉर लैंडिंग द पोलन ग्रेन्स, ठीक है। और यहां पर पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ आयंस बोरान कहते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। और जो स्टिग्मा होते हैं ये ट्यूब लाइक इलांगेटेड स्ट्रक्चर होती है, इससे पोलन ग्रेन से निकली पोलन ट्यूब आती है बेटा। और ये जो ओवरी पार्ट है इसका कैसा पार्ट है, फर्टाइल पार्ट है, इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा स्वेलन पार्ट है, स्वेलन पोर्शन है। और ये कैसा पोर्शन है, फर्टाइल पोर्शन है। अगर मैं केवल कार्पेल की बात कर रहा हूं तो कार्पेल गायनोशियम की यूनिट है एज इट इज, जो मैंने डिस्कशन किया, और इसके तीन पार्ट्स होते हैं, बहुत खूबसूरती से आप ये बताते हैं। तीनों का फंक्शनल एस्पेक्ट भी हमने आपको बताया, उसके बाद कार्पेल। अब क्वेश्चन सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। इस कार्पेल में बेटा एक क्वेश्चन ये बनता है कि फ्लावर में कार्पेल्स के नंबर्स कितने हैं, तो मैं आंसर देना चाहूंगा फ्लावर में कार्पेल्स के नंबर कितने हो सकते हैं, जवाब हो सकता है वन। अगर वन होगा तो पूरा फ्लावर क्या कहलाता है, पूरा का पूरा फ्लावर बेटा कहलाता है मोनोकार्पिलरी, मोनोकार्पिलरी बेटा, ठीक। फ्लावर में दो कार्पेल हो सकते हैं, और जब मैं बेटा कहूंगा दो कार्पेल तो फ्लावर बाईकार्पिलरी कहलाता है, और जब बेटा मैं कहूंगा तीन कार्पेल हो सकते हैं तो फ्लावर क्या कहलाता है, ट्राईकार्पिलरी कहलाता है। फिर मैं कहूंगा कितने हो सकते हैं, मैंने कहा फाइव हो सकते हैं, तो फ्लावर पेंटाकार्पिलरी कहलाता है। फिर कई बार कार्पेल के नंबर्स एक फ्लावर में मेनी हो सकते हैं, यानी मेनी में मोर देन फाइव हो सकते हैं, तब बेटा फ्लावर क्या कहलाता है, उस कंडीशन में हम सब फ्लावर को पॉलीकार्पिलरी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पॉलीकार्पिलरी। एक क्वेश्चन और मैं यहां मेंशन करना चाहूंगा कि फ्लावर में इन कार्पेल्स के लिए जो हम सब फ्लोरल फार्मूला लिखते थे आपको पता होगा, वो जी से रिप्रेजेंट करते हैं, वन बोलेंगे, टू बोलेंगे, थ्री कहेंगे, फाइव कहेंगे, और यहाँ पर इनफाइनाइट या जो नंबर्स अगर मेंशन हैं तो बोल सकते हैं। ओके बेटा, तो मैंने यहाँ पर अभी आपको केवल किसी फ्लावर में नंबर ऑफ कार्पेल्स के विषय में बताया, इसके बाद एक टर्म्स में दूंगा कोहेशन ऑफ द कार्पेल्स। बेटा फ्लावर्स में जो नंबर ऑफ कार्पेल्स होते हैं, फ्लावर में जो नंबर ऑफ कार्पेल्स होते हैं मैंने अभी दिखाया, एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, उनकी बेटा कोहेशन, कोहेशन मीन्स द सिमिलर काइंड ऑफ फ्लोरल पार्ट जब जुड़े होते हैं तो उसे कोहेशन कहते हैं। और फ्लावर में इस रिस्पेक्ट में दो कंडीशंस होती हैं, एक कंडीशंस को मैं क्या कहने वाला हूँ जरा देखेंगे। पहली कंडीशन को मैं ये कहूँगा सिंकार्पस, सिंकार्पस कंडीशन अगर आपसे पूछी जाए और कहा जाए किसे कहते हैं तो आप कहोगे वेन, यानी कि जब टू आर मोर देन टू कार्पेल्स आर फ्यूज्ड टूगेदर इन अ फ्लावर, यानी कि एक फ्लावर में दो या दो से ज्यादा कार्पेल आपस में फ्यूज्ड हो, करेक्ट। अब इसे हम एक फिगर से शो कर सकते हैं, देखो जरा से बेटा, यहां पर दो कार्पेल्स हैं, दो स्टिग्मा हैं, और दोनों कार्पेल का ये ओवरी का पार्ट फ्यूज्ड है। यहां दूसरा फिगर में मेंशन करना चाहूंगा कि यहां पर एक दो तीन चार पांच कार्पेल हैं और पांचों का स्टाइल फ्यूज्ड है और ये ओवरी फ्यूज्ड है। यहां नंबर ऑफ ओवरी बेटा एक ही होगी, कार्पेल का नंबर कई बार
कंबाइंड भी हो सकता है और कई बार वो कार्पेल्स की स्टिग्मा अलग अलग भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने बताया सिंग कार्पस कंडीशन किसे कहते हैं, व्हेन टू आर मोर देन टू कार्पेल ऑफ सेम फ्लावर फ्यूज हो तब सिंग कार्पस के नाम से जानते हैं। नंबर दो कहें, दो ही कंडीशन है, एपोकार्पस। एपोकार्पस कंडीशन को कैसे मैं लिखना चाहूंगा, डेफिनेटली डेफिनेशन देना पड़ेगा मुझको, क्या लिखेंगे, व्हेन फ्यू कार्पेल इन अ फ्लावर ऑन थैलेमस आर फ्री, यानी एक थैलेमस पर एक से ज्यादा कार्पेल्स हैं और सब के सब फ्री हैं। मैं यो फिगर बनाऊंगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये बेटा स्टिग्मा है, स्टाइल है ओवरी, स्टिग्मा है, स्टाइल है ओवरी, स्टिग्मा है, स्टाइल है ओवरी, स्टिग्मा है, स्टाइल ओवरी, ये पेडिसिल है, थैलेमस है। यहाँ पर मैंने कितने कार्पेल बताए, चार, और चारों एक दूसरे से फ्री हैं। एक बात और, इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका, कार्पेल टू ब्रेकट बोलेंगे तो सिंकार्पस कहलाएगा, कार्पेल फाइव हैं ब्रेकट बोलेंगे तो सिंकार्पस कहलाएगा। यहाँ पर कार्पेल बेटा कितने हैं, चार हैं, अगर मैं चार बोलूँगा तो एपोकार्पस होगा, यदि मैं ब्रेकट नहीं लगाता हूँ तो कंडीशन एपोकार्पस है। तो फिर से मैं बताऊँगा कि कार्पेल के कोहेशन में हम सिंकार्पस वर्ड यूज करते हैं, जब कोहेशन नहीं होता है तब एपोकार्पस कहते हैं। एक बात और मैं चाहूँगा बताना आपको कि एपोकार्पस के एग्जाम्पल आपके यहाँ जरूर पूछे जा सकते हैं, एग्जाम्पल ऑफ एपोकार्पस एज वेल एज एग्जाम्पल ऑफ सिंकार्पस भी पूछे जा सकते हैं। एपोकार्पस में चलिए मैं डिस्कस करता हूँ, मिकेलिया है, लोटस है, लोटस, ठीक है ना, मिकेलिया हो गया, लोटस हो गया, ये जो है एपोकार्पस है, रसभरी के नाम से भी जानते हैं। और जब हम यहाँ पर बात करेंगे तो बहुत हैं, सिंकार्पस की कंडीशन ज़्यादा होती है बेटा। सिंकार्पस में हम आपको बताना चाहेंगे कि सिंकार्पस में दो कार्पेल हो सकते हैं, पांच कार्पेल हो सकते हैं, बहुत से मेंबर्स हैं, फैमिली ब्रेसी केसी के सारे मेंबर्स हैं, फैमिली माल वेसी के सारे मेंबर्स हैं, फैमिली सोले नेसी के सारे मेंबर्स हैं। तो मोस्ट ऑफ द कंडीशंस कैसी होती हैं, सिंकार्पस होती हैं, कुछ कंडीशन एपोकार्पस पाई जाती है। बेटा मैंने आपको दो पॉइंट बताए, गाइनोशियम एंड कार्पेल, एंड नाउ हमारे पास कौन सा पार्ट बेटा, ओवरी, ठीक। तो जरा क्वेश्चन अगर बोला जाए कि ओवरी क्या है, केवल टीचर जनाब का व्हाट इज ओवरी, तो आपको क्या कहना पड़ेगा, ओवरी कहेंगे, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ओवरी को क्या कहेंगे, ओवरी इट इज, बोलो बेटा क्या, इट इज बेसल स्वेलन पोर्शन ऑफ कार्पेल। एक तो आप ये बता दो, दूसरा कह दो इट इज फर्टाइल पार्ट ऑफ कार्पेल। जब फर्टाइल है तो हम एक क्वेश्चन बताएंगे, मैं ये कहूंगा ओवरी का अंदर जो पार्ट है, तो मैं कहूंगा इट इंक्लोजेस, अंदर क्या है, इट इंक्लोजेस स्पेस, स्पेस तो ही है, और उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे लॉक्यूल। तो ओवरी के अंदर बेटा जो आपको स्पेस नजर आ रहा है उसे क्या नाम दोगे बेटा, लॉक्यूल कहोगे। और जब हम ओवरी के अंदर लॉक्यूल देखेंगे, ठीक, तब उसमें
एक प्लेस देखेंगे, एक जगह देखेंगे, वो होगी प्लेसेंटा। तोबरी में एक जगह प्लेसेंटा होगी। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, आपने मटर ले लिया, मटर का एग्जाम्पल सबसे सही है। आपने मटर की फली ले लिया बेटा, और फली को जब आपने यूं छीला तो यहां पर बीज लगे दिखाई देते हैं। तो जब ओवरी मटर की फली को, मटर की फली फ्रूट है बेटा, ठीक, जब उसको ऐसे छीला तो उसके अंदर चैम्बर हो, उसे लॉक्यूल कह रहे हैं। जब छीला तो वहां पर एक रिज नजर आती है, उस रिज पर सीड लगे होते हैं, और जिस जगह पर सीड लगे होते हैं उसी को हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं। तो प्लेसेंटा क्या होता है? पॉइंट फ्रॉम वेयर ओव्यूल्स आर अटैच्ड इन ओवरी। बस इतनी सी बात। प्लेसेंटा भी बेटा एक नंबर के, वन मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। व्हाट इज प्लेसेंटा? इसके काइंड्स हैं जो हम लोग ने 11th में पढ़े थे। तो इसका मतलब है कि प्लेसेंटा के काइंड्स ऑलमोस्ट मुझे याद नहीं करने हैं, मैं नाम बता दूंगा एक अलग क्वेश्चन में। अभी हमारे पास क्या चल रहा है? ओवरी क्या है? ओवरी कार्पेल का बेसल स्वेलन पार्ट है, ये फर्टाइल पार्ट है, अंदर स्पेस है, उसे लॉक्यूल कहते हैं। वहाँ पर एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट को प्लेसेंटा कहते हैं, जहाँ पर कौन बॉर्न होते हैं, ओव्यूल्स। और फिर एक पॉइंट मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा, और वो ये होगा, नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी कितने होंगे। तो क्वेश्चन है, वन हो सकते हैं बेटा, या कितने हो सकते हैं? मेनी हो सकते हैं। इनका नंबर एक हो सकता है एज वेल एज मेनी। आपके यहाँ कुछ एक नंबर का क्वेश्चन और आ सकता है बेटा। वो क्या है कि यहाँ पर ओव्यूल लगे होते हैं जिनको मैं ऐसे पिक्चराइज कर सकता हूँ कि दिस वन इज ए ओव्यूल, और यहाँ पर नंबर ऑफ ओव्यूल्स कितने हो सकते हैं? उन्होंने कहा एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। कहा गया कुछ एग्जाम्पल ऑफ पैडी, धान, वीट, गेहूं, मैंगो, आम, कई बार यूं कह सकते हैं मोनोकॉट फैमिली, डाइकॉट फैमिली, ऐसा भी आ सकता है। मोनोकॉट प्लांट्स, डाइकॉट प्लांट्स हैं, फैमिली नहीं कहते हैं, मोनोकॉट प्लांट, डाइकॉट प्लांट, पपाया, वाटरमेलन, दोनों डाइकॉट प्लांट्स हैं, ऑर्किड्स मोनोकॉट प्लांट हैं। तो नंबर ऑफ ओव्यूल्स भी क्वेश्चन में आ सकते हैं। इस प्रकार मैंने आपको बेटा गाइनोशियम, कार्पेल और ओवरी का डिस्कशन किया। नाउ ओव्यूल का क्वेश्चन अब आपके सामने इस प्रकार से। तो अगला क्वेश्चन बेटा मेरे लिए है, किसके लिए बेटा? ओव्यूल। ओव्यूल को हम लोग एक शब्द और बोलते हैं, मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है ना? ओव्यूल को हम लोग मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। कैसा? अगर ये टर्म और ये है इंटेग्यूमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम, ये टर्म ज्यादा फ्रूटफुल है ओव्यूल के लिए। ओव्यूल मेगा स्पंजियम है, नो डाउट सही है, बट नीट एग्जाम में अगर मेगा स्पंजियम आ जाए हम सब, और इंटेगुमेंटेड मेगा स्पंजियम हो, तो हम सब इंटेगुमेंटेड मेगा स्पंजियम को टिक करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन हम सब डिस्कस करना चाहते हैं बेटा ओव्यूल का, वो है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। चलिए स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पर फ्रेम कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, एग्जाम में बनाने को भी आता है आपका। ये है एक ओव्यूल,
इसको मैं यूं अगर कह दूं तो ये है ओवरी। ओवरी में जिस पॉइंट से लगा उस पॉइंट को हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं। तो अब इसकी लेबलिंग और स्ट्रक्चर देखिए कैसे शुरू करते हैं। ओव्यूल एक ओवल स्ट्रक्चर है, यूजुअली ये ओवल स्ट्रक्चर ही है, छोटा सा है। और मैंने कहा ये कहां पर लगा हुआ है, तो जवाब आया ओवरी से लगा है। ओवरी में जिस पॉइंट से लगा उस पॉइंट को क्या कहते हैं, तो बेटा आंसर क्या है, प्लेसेंटा। फिर बेटा एक टर्म लिखी हुई स्टॉक, स्टॉक ऑफ ओव्यूल को क्या कहा जाता है, तो जवाब क्या दो बेटा, फ्यूनिकल। फिर ये पूरी बॉडी ऑफ ओव्यूल है, दिस वन इज अ बॉडी ऑफ ओव्यूल। फिर क्वेश्चन ये आता है बेटा कि बॉडी के जिस पॉइंट से फ्यूनिकल अटैच है उसको क्या कहते हैं, हाइलम। क्या कहते हैं बेटा, हाइलम इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल विद बॉडी। फिर क्वेश्चन आता है बॉडी का बेसल पोर्शन क्या कहलाता है, चला जा। बेस ऑफ ओव्यूल कहते हो। फिर बेटा ये हो गया ना बेस ऑफ ओव्यूल। फिर कहते हैं बेस ऑफ ओव्यूल में जो टिश्यू भरा हुआ हो तो उसे क्या नाम देते हैं, न्यूसेलस। न्यूसेलस टिश्यू है जो इसमें फिल्ड रहता है लाइक दिस, पूरे में भरा है। इस ओव्यूल में कवरिंग होती है, मीन्स न्यूसेलस को कौन कवर किए होता है, तो बेटा जवाब होता है इंटेग्यूमेंट। क्या ये न्यूसेलस, यहां पर फिगर में फिर बना दे सकता हूं, बनाऊंगा। क्या ये न्यूसेलस, ये न्यूसेलस की सेल्स हैं या न्यूसेलस की टिश्यू, आप जो भी कहिए। क्या ये न्यूसेलस की जो टिश्यू हैं चारों ओर से इंक्लोज्ड हो, जवाब नहीं। जहां से इंक्लोज नहीं होते हैं उस पोर को क्या कहते हैं, तो जवाब है माइक्रोपाइल। तो इस प्रकार से ऑलमोस्ट इसके नाम हो गए, लेबलिंग हो गई। बट बेटा आप क्वेश्चंस एक दो क्वेश्चन ये फ्रेम करते हैं, ये किस प्रकार का टिश्यू होता है, तो इसको एक प्रकार का पैरेन्काइमा कहते हैं। एक क्वेश्चन और होता है इंटेग्यूमेंट के नंबर्स। यूजुअली बेटा ये लंबा पार्ट है, लेकिन हम कहते हैं इंटेग्रो नंबर यूजली दो होते हैं, इसलिए ओव्यूल बाइटेगमिक कहलाते हैं। इन कंपोजिटिव फैमिली के मेंबर्स में जो इनर वाली लेयर होती है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाती है, इसलिए वहां एक इंटेग्रो रह जाती है, उसे यूनिटेगमिक कहते हैं। जिम्नोस्पर्म्स के ओव्यूल यूनिटेगमिक होते हैं, एंजियोस्पर्म के ओव्यूल बाइटेगमिक होते हैं। एंजियोस्पर्म में फैमिली कंपोजिटी के ओव्यूल्स यूनिटेगमिक होते हैं। इतनी सब चीजों के बाद एक क्वेश्चन और आएगा, ये सारा स्ट्रक्चर ओव्यूल में किस जनरेशन को शो करता है, तो मैं उसको बताऊंगा। ये जो जनरेशन है इस स्ट्रक्चर की, वो पूरे प्लांट की स्पोरोफाइट जनरेशन है। ये सारा का सारा टिश्यू स्पोरोफिटिक टिश्यू है, यानी कि क्या प्लांट में स्पोरोफाइट टिश्यू के अलावा भी कुछ चीजें होती हैं, तो बेटा जब बोर्ड लेवल में स्ट्रक्चर आता है तो इतना डिस्कशन करते हैं। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर बाद में आएंगे। एक क्वेश्चन फ्रेम और होता बेटा, और वो क्या होता है, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर ये पाया जाता है और ये गैमेटोफाइट होता है, और इसे हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। तो मैं यही तो बोल रहा हूं और ये मैं बोलना चाहता हूं
कि इस स्पोरोफाइट जनरेशन में गैमेटोफाइट जनरेशन इंक्लोज्ड होती है। इस गैमेटोफाइट को हम सब क्या कहते हैं बेटा, एम्ब्रियो सैक कहते हैं, जिसका डेवलपमेंट अभी सब पढ़ेंगे। तो पूरा का पूरा ओव्यूल एक एम्ब्रियो सैक को इंक्लोज किए होता है, जिसमें मैं कुछ नाम बता रहा हूं। एक एग सेल होती है, दो सिनर्जिड सेल्स होती हैं, तीन एंटीपोडल सेल्स होती हैं, दो सेंट्रल न्यूक्लियस होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं, लेबलिंग मैं नहीं करूंगा, मैं केवल हम इसे फ्रेम कर रहे हैं, तो इस तीन सेल्स का नाम बेटा एंटीपोडल सेल्स है। इन तीन सेल्स को बेटा एग एपरेटस कहते हैं, जिसमें एक एग सेल, दो सिनर्जिड्स हैं। इस एक बड़ी सेल्स को सेंट्रल सेल कहते हैं। फिर से बोलो बेटा, इस एक हरी वाली बड़ी सेल को सेंट्रल सेल कहते हैं। इन तीन सेल को कलेक्टिवली मिलाकर एग एपरेटस कहते हैं, जिसमें दो प्रकार की सेल्स हैं, एग सेल और सिनर्जिड सेल्स, और तीन चलाजा की ओर सेल हैं, जिसे एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। इस बड़ी वाली सेंट्रल सेल में दो न्यूक्लियाई हैं, जिसे हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। जब हम कभी भी ओव्यूल का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करेंगे या बताएंगे, तो ध्यान रखना मुझे इतना बताना होगा ये ओव्यूल किस प्रकार का है वो बात और बताएं। यहाँ पर फ्यूनिकल के बहुत क्लोज माइक्रोपाइल है, फ्यूनिकल के बहुत क्लोज माइक्रोपाइल है। यह ओव्यूल 180 डिग्री पर झुका हुआ होता है, और इस प्रकार के ओव्यूल को हम एनाटोपस ओव्यूल कहते हैं। पूरे प्लांट किंगडम में 82% केसेस में एनाट्रोपस ओव्यूल होता है, जिसे आप इन्वर्टेड ओव्यूल भी कहते हैं। इस ओव्यूल के लिए एक टर्म और यूज की जाती है, रेसिपुनेट। ओव्यूल और भी प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ ओव्यूल एक अलग पार्ट है, बट यूजली हम लोग या कह सकते मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल्स एंजियोस्पर्म कौन सा होता है, तो एनाट्रोपस होता है, इन्वर्टेड होता है, रेसिपुनेट कहा जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द जिम्नोस्पर्म्स, गाइनोशियम्स, कार्पेल, ओवरी एज वेल एज ओव्यूल, एंड दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। जैसा आप जानते हैं हमेशा से ही, वीडियो आपको निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा, आराम से पढ़िए बेटा। मैं फिर आपसे बताता हूँ कि मैं नवंबर के अंत में या फिर दिसंबर के मिड में आपका सिलेबस कंप्लीट